वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम है। और जैसा कि आपको याद है कि मैंने पिछले पार्ट में आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताया था, और आपको जैसा कि पता ही है कि मैंने अर्थ और मून के बारे में डिस्कस किया था आपसे, कि अर्थ की दो टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती है। ये सब कुछ अर्थ के बारे में बताया था और साथ में सन के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है अर्थ। तो इसके अंदर की सारी जगह का मैं बताऊंगा। तो फिर लेट्स स्टार्ट इट। अभी मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। ये अभी मैं आपको बता ही देता हूँ। ये हमारे कॉन्टिनेंट्स और ये हमारे ओशन। ये देखिए, मैंने ये सी और ओ लिखा है, ये कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। तो मैंने अभी ये बना दिए। तो फिर अभी मैं आपको अर्थ के अंदर में जो सारा मैप मैं बनाऊंगा। इसके लिए मैंने ओ लिखा हुआ है। तो ये हमारा एशिया, इधर हम लोग रहते हैं। ये हमारा एशिया और इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ मुल्क है जिसका नाम है यूरोप। तो इसके साथ ही नीचे एक और भी शेप का मुल्क है, तो इसका नाम है अफ्रीका। और यहाँ पर भी जिस तरह के आपको बताइएगा इजिप्ट यहाँ पर होता है। उसके साथ ही नॉर्थ अमेरिका। अभी के लिए मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म ही की हुई है क्योंकि इसके अंदर इतनी जगह नहीं है। तो इसे वापस इसके साइड नीचे साउथ अमेरिका। तो इसका आप सोच रहे हैं ये कौन सा है, तो इस ये है हमारा एंटार्कटिका। ये लीजिए, हमने अभी अपना सारे कॉन्टिनेंट का नाम लिख लिया। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक लाइन होती है, उसका नाम होता है इक्वेटर। ये ऐसी लाइन है जिसके अगर कोई पास कंट्री होए तो वो उस कंट्री में थोड़ी सी गर्मी होती है, क्योंकि जो इक्वेटर होता है वो ही ज़्यादातर सन के सामने फेस होता है। तो इसके साथ जो मैंने डॉट लाइन बनाई हुई है, तो इसके अंदर जो जगह है, तो ये सारी जो जगह है ये सारी गर्म होती है। जो इसके पास पास मुल्क होते हैं इधर कॉन्टिनेंट्स, वो बहुत गर्म होते हैं। तो ये लीजिए, अभी मैंने इक्वेटर भी बना लिया। तो अब मैं आपको सारा मैप्स की डिटेल बताता हूँ कि इस पर ये क्या सारी जगह है। और मैं आपको दोबारा से ही बता देता हूँ कि जो हमारा प्लेनेट अर्थ है उसके साथ बड़े ड्राई लैंड्स हैं। तो अभी वापस ही उनका नाम मैं बता देता हूँ। इसका नाम है ओशनिया, ओकिनिया, इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। और यहाँ पर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड है। तो अभी मैंने आपको इनका नाम बता दिया और अभी ओशंस के नाम भी आपको बताऊँगा। और इन्हीं के साथ ही हमारे पांच ओशंस भी हैं। बोलते जाओ। ये हमारा इंडियन ओशन है और ये हमारा पैसिफिक ओशन है। तो मैंने अभी इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है कि वीडियो लंबी ना हो जाए। और इसके साथ ही हमारा साउथर्न ओशन, तो सबसे ऊपर का ओशन है आर्कटिक ओशन।
और यहाँ पर भी हमारा एक अटलांटिक ओशन है। तो ये लीजिए, आज मैंने आपको अर्थ के सारे अंदर की जगहों का बता दिया। और आज से कुछ 500 साल पहले जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो फिर लोग समझते थे कि हमारी दुनिया इतनी है, जिस तरह कि एशिया वाला बंदा समझता था हमारी दुनिया इतनी ही है, और कोई अफ्रीका वाला बंदा समझता था कि हमारी दुनिया इतनी ही है। तो जब रशिया और अमेरिका ने सेटेलाइट्स ऊपर भेजी स्पेस में, तो फिर उनने कुछ अर्थ की पिक्स ली, और फिर लोगों को पता चला कि अभी हमारी दुनिया बहुत बड़ी है। तो आपको तो आज मैंने बता ही दिया है कि ओशंस और कॉन्टिनेंट्स कितने और कितने साइज़ के होते हैं। तो आज के लिए और आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। होप यू एंजॉय, मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। नाउ आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।